जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेता पर नाबालिग लड़की से बलात्कार और देह व्यापार में ढकेलने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड के जमशेदपुर जिले के एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार और देह व्यापार में बालिका को ढकेलने का आरोप लगाया गया है। पीसी के दौरान एफआईआर की कॉपी भी बकायदा दिखाई गई। मामला 15 मई 2019 का है, जब भाजपा की सरकार झारखंड में थी। इस सारे मामले का आपराधिक रिकॉर्ड को ब्रह्मानंद ने नामांकन के दौरान दर्ज नहीं कराया है, जो भाजपा के चाल चरित्र को दर्शाता है। ऐसे आरोप भाजपा पर मोहन मरकाम ने लगाए हैं। सरकार में धकेले जाने के मामले में अभियुक्तों में एक है। इस संबंध में जिला जमशेदपुर में थाना टेलको में अपराध क्रमांक 84/219 2019, धारा दिनांक 15/5/2019, धारा 366A, 376, 376(3), 376(BB), 120B भारतीय दंड विधान 4(6) (5) एवं 4(5)(6)(7)(9) अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है। मामले में प्रारंभ में 5 आरोपियों के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया गया था।